नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD टू रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दो जरूरी रिजल्ट की घोषणा कर दी है। फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था, कैटेगरी नंबर क्या था और किस कैटेगरी के लिए या किस आपका जर्नल के लिए क्या कट ऑफ रही है, SC के लिए क्या कट ऑफ रही, इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक प्रॉब्लम और आपके लिए निकल कर सामने आ रही है कि पिछले कई दिनों से HSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो पा रही है। पता नहीं चल रहा है कि क्या अपडेट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जारी करा, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, एग्जाम नोटिस से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ आप सभी तक जो है वेबसाइट ना खुलने की बजाय भी सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और स्टीक आपको अवेलेबल करा सकूँ। तो दोस्तों, वेबसाइट ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि आपके सभी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया। देखिए दोस्तों, ये फाइनल रिजल्ट आया फॉर दी पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट बोथ लैंग्वेज। एक जूनियर स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी जो आपकी वैकेंसी थी उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। उसकी PDF मेरे से वो डिलीट हो गई है, तो दोबारा से जब आएगी तो वो दिखा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगा फाइनल रिजल्ट फॉर दी पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें टोटल दोस्तों 307 पोस्ट थी टोटल, जिसमें जर्नल की 108 थी और जो जर्नल की आपकी कट ऑफ रही 123 पे रही है। वेटिंग आपकी इसमें 114 पे रही है। SC की 58 पोस्ट थी, SC कट ऑफ आपकी 97 पे रही है। वेटिंग आपकी SC की यहाँ पर 78 पर आ गई है। BCA की 37 पोस्ट थी आपकी, 108 पे कट ऑफ रही है। BCA की वेटिंग जो आपकी थी वो 102 पे कट ऑफ रही है। BCB की 22 पोस्ट थी आपकी, 110 पे कट ऑफ रही है। BCB की अगर मैं वेटिंग की बात करूँ 102 पे कट ऑफ रही है। एक्स सर्विस में इन जनरल 23 पोस्ट हैं, कट ऑफ आपकी 58 पे रही है। एक्स सर्विस में SC 6 पोस्ट थी, 94 पे कट ऑफ रही है। इसी प्रकार एक्स सर्विस में BCA 9 पोस्ट, 104 पे कट ऑफ रही है। एक्स सर्विस में BCB की 92 पे कट ऑफ रही है। OSP जनरल 1 पोस्ट थी, 120 पे कट ऑफ है। OSP BCA 2 पोस्ट थी आपकी, 104 पे कट ऑफ आपकी रही है। OSP BCB 1 पोस्ट थी, 106 पे। OH की 384 पे। VH की 2 पोस्ट थी, 139 पे कट ऑफ रही है। दोस्तों, HS की 2 पोस्ट और VH की 1 पोस्ट वैकेंट रहेगी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम था, 25 मार्क्स आपके इसमें इंटरव्यू के थे। टोटल 225 में से आपका ये रिजल्ट रहा है। और दोस्तों, जो EBPG की 34 पोस्ट थी उसके हिसाब से आपका इन वैकेंसियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उद्देश्य के अनुसार इनको विदेल्ड कर लिया गया है। तो दोस्तों, एक अपडेट और एक वीडियो आपकी EBPG को लेकर भी चैनल पर आज शाम तक आपको मिल जाएगी, जिसमें अपडेट आएगी कि भी EBPG का जो दिखाया जा रहा है कि केस डिसमिस हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं, आपको कंप्लीट एनालाइज के साथ उस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन YouTube चैनल MD टू रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।